नक्षत्र की अच्छी जानकारी और सरल जानकारी के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूं, और उसे कहते हैं ग्रह प्रवेश में कलश वास्तु चक्र। अब ऐसे हमें पता नहीं लगेगा कि कौन सा नक्षत्र कैसा है, अच्छा है या खराब है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई नक्षत्र चलता रहता है, तो 28 नक्षत्र मुख्य होते हैं, तो ये 28 नक्षत्र कौन से 28 नक्षत्रों में कौन सा नक्षत्र किस दिन के लिए हमारे लिए अच्छा होगा, इसे आप बहुत सरल तरीके से जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं इसको, इसे कहते हैं ग्रह प्रवेश में कलश वास्तु चक्र। इसकी पिक्चर मैं आपको डिस्प्ले पर दे रहा हूं। सो दोस्तों, इसे हमें करना ऐसे है कि नवग्रह नवीन घर में जब हम प्रवेश संबंधी मूर्ति यानी कि नक्षत्र को जानते हैं, तो इसके लिए अधिक जो सूक्ष्मता बारीकी से जानने के लिए इस कलश वास्तु का प्रयोग किया जाता है, और इस कलश वास्तु को आप बनाइए। जिस तरह से ये कलश दिख रहा है, सेम इसी तरीके से आप इसे बना दीजिए, और किसी काल्पनिक कलश को 8 विभागों में बांट लें। काल्पनिक वही हो गया जो कलश आपने, कलश की शेप आपने एक कागज़ पर बना लेनी है, और इसके लिए आपको मुहूर्त देखना है। मुहूर्त यानी जिस दिन आप कर रहे हैं उस दिन का नक्षत्र चेक करने के लिए कि वो नक्षत्र उस दिन अच्छा है, उस दिन कौन सा नक्षत्र है उसे देख लें, और फिर यहाँ पर कहाँ किस भाग में किस साइड में वो नक्षत्र आता है उसे आप देख करके जानकारी ले सकते हैं कि ये अच्छा रहेगा या कैसा रहेगा। तो दोस्तों, मुहूर्त काल में सूर्याधिष्ठित नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र, मुहूर्त वाला नक्षत्र तक यथाकर्म नक्षत्र लिखें, यानी कि आपको इसमें अभी बताया जाएगा किस तरीके से आपको नक्षत्र इसमें लिखने हैं एक एक करके, और ये देखना है कि आपका नक्षत्र किस साइड में आता है। सूर्य नक्षत्र से चंद्र नक्षत्र समान होने पर मुख पर स्थापित करें, जैसे कि आप देख रहे होंगे, और सूर्य के नक्षत्र से आगे गिनने पर 2 से 5 अर्थात आगे के 4 नक्षत्र पूर्व दिशा में रखें। इसी प्रकार 6 से 9 तक 4 नक्षत्र कलश के दक्षिण में रखें, फिर 10 से 13 तक 4 नक्षत्र पश्चिम में रखने चाहिए, फिर 14 से 17 तक 4 नक्षत्र उत्तर में रखें, तथा 18 से 21 तक 4 नक्षत्र कलश के उदर में पेट में रखें, फिर 22 से 24 तक 3 नक्षत्र कलश के तलवे में रखें, तथा शेष 25 से 27 जो 3 नक्षत्र बचते हैं कलश के कंठ में रखें, गले में रखें। इसके बाद ग्रह प्रवेश का फल इस प्रकार जानें। किस प्रकार से जान सकते हैं? अब इसके बाद आप जानें कि ये तीनों इन नक्षत्रों का क्या क्या फल है, तो आइए जानते हैं डिस्प्ले पर। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे ग्रह प्रवेश में नक्षत्र फल और फल नक्षत्रों के फल। अब यहां पर आप देख रहे होंगे कि अग्नि से भय आपको हो सकता है। आप इसमें देखिए ग्रह प्रवेश में नक्षत्र फल इस पर लिखा है, और फल आगे फल लिखा है कि इसका क्या फल हो सकता है। अब आप ये देखिए कि आपका नक्षत्र, जैसे कि इसमें फर्स्ट नंबर पर आप देखेंगे, इसमें लिखा है यदि मुख का नक्षत्र ही प्रवेश नक्षत्र हो, मुख का यानी कि कलश के जो स्टार्टिंग में कलश के गले में, यदि आपके उन इन 3 नक्षत्रों में से यदि एक नक्षत्र है उस दिन का, जिस दिन आप एंटर करने वाले हो, ग्रह प्रवेश करने वाले हो, तो उस दिन आपको ग्रह प्रवेश करने से अग्नि से भय होता है। घर में कोई अग्नि से भय हो सकता है, या फिर किसी मनुष्य को या आपको हो सकता है, इसमें लिखा है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आप आएंगे तो कलश में देखिए पूर्व के 4 नक्षत्र, जिस साइड का पूर्व यानी ईस्ट की साइड जहां पर आपने पूर्व लिखा है, उस तरफ यदि आपके 3 नक्षत्र हैं, इन तीनों नक्षत्रों में से यदि एक नक्षत्र है, तो आपके घर का उजाड़ होने का भय हो सकता है, इसमें लिखा है। उसके बाद में चार्ट में आप देखिए तीसरे नंबर पर दक्षिण के 4 नक्षत्रों में, जो दक्षिण साइड में आपने 4 नक्षत्र लिखे हैं, वो 4 नक्षत्रों में यदि एक नक्षत्र आपका है उस दिन का, जिस दिन आप प्रवेश करने वाले हो, तो धन लाभ हो सकता है, और ये दिन आपके लिए अच्छा होगा। इस दिन ग्रह प्रवेश करने से आपको बहुत सारा धन प्राप्ति होगी उस वास्तु के हिसाब से। उसके बाद में आप चौथे नंबर पर देखेंगे
तो पश्चिम के चार नक्षत्रों में, जो पश्चिम दिशा है कलश की, जहां पर आपने चार नक्षत्र लिखे हैं, उन नक्षत्रों में से यदि एक आपका है तो उस दिन एंटर करने से आपको धन वैभव प्राप्त होगा, यानी वैभव भी होगा और धन भी प्राप्ति होगी। तो ये दिन आपके लिए बहुत शुभ है। और अब आप पाँचवें नंबर पर देखेंगे तो उत्तर के चार नक्षत्रों में, यदि उत्तर दिशा में जहां आपने मार्क किया है चार नक्षत्र लिखे हैं, उन चार नक्षत्रों में यदि एक नक्षत्र आपका है तो कलह कलेश रहता है। उसके आगे आप देखेंगे तो उस दिन जो है कलह कलेश की संभावनाएं बनेंगी। उसके बाद में छठवें नंबर पर आप देखेंगे कि यदि कलश के उदर के चार नक्षत्रों में से यदि आपका उस दिन का एक नक्षत्र है तो विनाश का भय रहता है, ठीक है। उसी प्रकार से सातवें में आप देखेंगे, सातवें नंबर पर तल के तीन नक्षत्रों में, अगर तलवे के तीन नक्षत्रों में जो आपका है, तल के तीन नक्षत्रों में यदि आपका नक्षत्र पड़ रहा है तो इन तीन नक्षत्रों में स्थिरता, स्थाई वास, यानी कि आप यहाँ पर टिके रहेंगे और लंबे समय तक की भूमि आपकी रहेगी और अच्छा शुभ रहेगा। उसके बाद में आठवें नंबर पर आप देखेंगे कंठ के तीन नक्षत्र, जो गले में तीन नक्षत्र लिखे हुए हैं, इन तीन कलश के स्टार्टिंग के अंदर जब आप कोष्टक में ब्रैकेट में आप देखेंगे, इसमें यदि आपने तीन नक्षत्रों में से एक नक्षत्र आपका उस दिन का है तो ग्रह स्वामी की चिरायु, यानी कि दीर्घ आयु, और सारे रोग यदि ग्रह स्वामी के हैं जिसके नाम पर मकान है तो वो उसके सारे रोग यहाँ पर ठीक हो जाते हैं और वो स्वस्थ होकर के उस घर में रह सकते हैं सुख और सुविधा के साथ में। तो ये था दोस्तों ग्रह प्रवेश में कलश वास्तु चक्र, जिससे आप चेक कर सकते हैं उस दिन का नक्षत्र और नक्षत्र का फल, तभी आप जो है आगे बढ़िए।